सा आपकी मौजूदगी में आई हूँ। मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों के कोई इधर कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई कमी हो तो आप बताएं। हाँ भाई ना, ठीक है, वी कैन टेक केयर ऑफ इट। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब साथ आपने ये भी इनको बताना है कि जो आप पहले आते थे तब क्या हालात थे और आज क्या हालात। बिल्कुल, बेहतरी आई नहीं आई? थोड़ा सा विजिट कर आ रहे हैं जी। आप करके आइए, तो मैं तो चल नहीं सकूँगा। सिंस 1982 फर्स्ट इन डेलीगेशन आई केम हियर। अच्छा, ओनली 83 पहले इनके फादर आते थे। वो बस ही केम हियर वंस। पानी में कुछ पानी है साडा जी, मैं भी थोड़ा ये पिंडराजन खान के साथ है, तो दैट इज़ माई बर्थ प्लेस। एंड मेरे नानके ने अच्छो सैदन शाह नज़दीक मेरे नाना जी थे, ही वॉज माई कोल माइन मालिक थे, ओनर थे। यस यस, आई हैड बीन हियर। मेरी वो कहते हैं मुंडन सेरेमनी दैट टुक प्लेस इन एट दिस स्पॉट श्री कटासरा इन बैसाखी डेज। इन बैसाखी डेज अप्रैल में होती थी बैसाखी। तो पार्टीशन 47 में जुलाई अगस्त में हो गई थी, तो उस वक्त 1947 में आई केम हियर दर्शन के लिए। मेला लगता था तो हम नानके आते थे श्री चौथ सेवन छा। तो आई डिड रिमेम्बर दोज डेज। देर वॉज पानी था बहुत इधर सारा जी, यहाँ से लेकर ये पुल होता था, इधर भी काट बने हुए थे, इधर भी काट थे। अच्छा जी। एक पुल था, दोनों जितने यात्री आते हैं ऑल ओवर इंडिया। दिस इज द मोस्ट फेमस इतिहासक ऑफ महाभारतकालीन महाभारत टाइम्स आवर तीर्थ। धरती के दो नेत्र हैं जी, एक पुष्कर राज अजमेर शरीफ जी के पास है राजस्थान में, एंड दिस इज सेकेंड वन। अच्छा जी। फर्दर जो जिस वक्त पांडव थे ना जी, तो वो उसमें चल रहा था, उनका जो बलवा वगैरह कहते हैं वो चल रहा थी कथा, तो वो या एक्साइल उनको हुआ था। अच्छा, बनवास। अच्छा। तो लास्ट जो इयर्स थे उन्होंने इन जंगलों में यहाँ गुजारे थे। अच्छा। और यक्ष और ऋषि उनका जो एल्डेस्ट ब्रदर थे युधिष्ठिर जी, वो इस जो ये है अमरकुंड, इस स्थान पर उनका संवाद हुआ था। दैट इज़ ए वर्ल्ड रिनाउंड कन्वर्सेशन बिटवीन महाराजा यक्ष महाराजा युधिष्ठिर ब्रदर ऑफ पांडवास। He was the eldest one, and Yaksh Rishi, that was in shape of Prinda. यहाँ ऐसे थे, उन्होंने कहा पहले सवाल कीजिए, प्रश्न पूछिए। तो बहुत ये स्टूडेंट्स में यूनिवर्सिटीज में कहीं पढ़ाए जाते, ये महाभारतकालीन का वो सारा इतिहास है। दैट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस तीर्थ। अच्छा जी, इट्स गुड जी, इफ यू कैन कोई डॉक्यूमेंट हमें इसके बल्कि आई टेल यू ड्यूरिंग पार्टीशन डेज। It is separate 2 kilometers. This 192 temples were there. ये जो हैं सारे ऊपर दोनों तरफ, जैसे जस्ट लाइक वादी। तो इसमें इतना जल चलता था कि ये सारा उधर इरीगेट करते थे, इधर बागात थे गुलाब के, बाकी और फलों के लौकाट ऐसी सारी चीज़ें। अच्छा, लौकाट आड़ू वगैरह। मैं बचपन चतूर बड़ा होता सी, जंगल जंगल सन बड़ा इतने ऑल ओवर एशिया। जो चौथ सैदन शाह के ये गुलाब का अर्क था, बड़ा मशहूर था गुलकंद, अमृतसर तक के लोग यहाँ वो डालवाने के लिए आते थे अर्क। तो ये जो जल जाता था ना जी, चौथ सैदन शाह के दोनों तरफ बड़ी बड़ी देगें रखी होती थी। तो जैसे सब्जी मंडी में आजकल वो चलती है ना वेजिटेबल्स, तो वो अक्सर गुलाब की फूलों की होती थी। अच्छा। हाँ हाँ, यस, इन दोज डेज इतनी क्वांटिटी में गुलाब होता था। यहाँ का गुलाब है बड़ा स्पेशल स्पेशल टॉप। तो वो ढेर के ढेर लगे हुए होते थे और उसमें ऑक्शन में लेकर वो उसमें अर्घ निकलवा के ले जाते थे लोग। वो दोनों हाँ देगे लगी थी उसमें, वो उसका सिस्टम पुराना होता था ना जी, नीचे आग जला कर उसको भाप बना के उसमें जलता था सारे जैसे। अच्छा, हाँ वो इतनी क्वान्टिटी में बनाते थे। तो वो उसके बाद फिर ये सारा खुश्क हो गया 5-4 साल ऐसे 1947 के बाद। ऐसा ही हाल था। अब इन्होंने तो बड़ी हिम्मत कर रहे हैं
मुझे बड़ी खुशी होती है। नहीं एक्चुअल दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। मुझे सारा रेनफॉल भी कम हुआ है। नहीं मैं ये बता रहा हूँ ना, एक मिनट का, ये जो था ना जी, ये बिल्कुल ऐसे लेवल था, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि ये तो ये सब इन्होंने अभी बनवाई है जी। और वो जो था ना जी पानी की सतह बिल्कुल शुरुआत में ऐसे हो गई थी, अब तो कुछ कारण बन गए हैं, फिर उन्होंने इतने यत्न कर गए जे सी बी को लगा के, तो दे हैव बीन सेंडिंग मी द फोटोज ऑफ एवरी, बहुत मेहनत की है स्पेशली मिस्टर फराज जी ने, इन्होंने दिन रात भी मैंने देखा इनको। ये जो आपने फरमाया कि 47 में ये ड्राई था, उसमें ड्राई 47 के बाद चार पाँच साल ड्राई रहा। तो ऐसे था उस वक्त पिंड दादर खां के वो एक हाई कमीशन ने अपने पाकिस्तान एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान के, उनका नाम था वो राजा गजनफर अली। अच्छा जी। ही वॉज क्लासमेट ऑफ माई रेस्पेक्टेड फादर। वो भी उनकी पिंड दादर खान की जन्मस्थली है। अच्छा, वो भी पिंड दादर खान की है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो इस तरीके से वो प्यार था उनका गजनफर अली शाह से। अच्छा। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था कि अभी आप, उन्होंने उस वक्त अप्लाई किया था 47-49 में। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर ये उन्होंने कभी ड्राई हुआ पड़े तो आप क्या करेंगे जाके, पानी नहीं है स्नान, क्योंकि हमारा मेन जो यात्रा का है दैट इज स्नान, एक स्नान और एक वो दर्शन, वो जो एक शिवलिंगम रह गए, दो चीज़ें। तो फिर रिक्वेस्ट की पाकिस्तान गवर्नमेंट से, और मतवातर वो चलता रहा। 82 में हमें फिर इजाज़त 35 ईयर्स के बाद मिली थी। अच्छा, तो पहली दफ़ा आप 82 में आए? 82 में, दैट वाज द फर्स्ट जत्था। और फिर आप हर साल आते रहे? हम रेस्ट हाउस में ठहरे थे पहली बार, याद कोई जगह थी, जंगल था सारा या एक स्कूल था, उसके बाद हमें पहले 20 की इजाज़त मिली, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ थोड़ी सी ब्रीफ, उसके बाद 50 की मिली, क्योंकि यह जगह नहीं थी रुकने के लिए, रहने के लिए काम एकोमोडेट कैसे करते पाकिस्तान में। लेकिन इवन देन बड़े ने स्कूल तक खाली करवाए थे, या स्कूल होता था पहले शायद इधर पीछे, तो वो 50 का हुआ, फिर 100 का हुआ, अब ऑल ओवर इंडिया मुझे हमारे सब है 200 की इजाज़त है। इंडो पाक 1947 का जो है जी, इस वक्त 84, पिछली बार 200 समथिंग थे। अच्छा, प्रोटोकॉल, लेकिन वो हाँ जी प्रोटोकॉल 200 था, मैंने रिक्वेस्ट की 250 को अप्लाई तो किया था काफ़ी, 50 इन्होंने और प्लस कर दिए। अच्छा। प्रोटोकॉल के आगे पीछे जाके इतनी मेहरबानी चेयरमैन साहब ने करवाई, कोशिश करके, तो उसमें 235 का वीज़ा लगा था। तो अब भी इस तरह से वीज़े लगे, आप एक्चुअल दूर दराज से लोग बड़े आते हैं ना, साउथ से 14 स्टेट से मेरे साथ इस बार जत्था आया। अच्छा, यस यस, साउथ से, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये तो नज़दीक के हैं, उत्तर प्रदेश, ये हुआ दिल्ली हुआ, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यस। अच्छा, मतलब सारी उनको पता है, ऑल ओवर इंडिया का हमारा ये वर्ल्ड का। और आप साल में दो दफा आते हैं? दो सौ इजाज़त मिली, नवंबर दिसंबर में। आप दोनों मत पार, शिवरात्रि का जो मौसम है का, शिवरात्रि टू टाइम्स नहीं है, 200 जाते हैं ऑल ओवर दैट इज़ अ बेटर। और उसके बाद तो सारे ये कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की मैंने भी उनको, तो ये सारा इन्होंने खुदाई वगैरह करके स्प्रिंग जो नेचुरल थे उनकी कोशिश की भाई इसको निकाला जाए, जारी था, दे आर डूइंग ए लॉट, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू वक्फ बोर्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट बोर्ड। तो ये जो पीछे सुप्रीम कोर्ट का भी आपका आया, तो वो तो प्रेस में चीज़ें थी, एक्चुअल बैकग्राउंड जो थी ना वो देखनी चाहिए पहले। मुझे सर आपके पास जब लास्ट टाइम आप आए थे शिवरात्रि पे, हाँ हाँ, आप पास कुछ तस्वीरें थी, यस 1985 की, 84 की, नहीं वो बड़ी अर्ली जिसमें मैं, हम लोग बाल्टियों से नहाते थे, बाल्टियों में पानी भर रहे, कीचड़ था बिल्कुल, वो तस्वीरें दिखाएं जरा। नहीं मेरे पास आप तो नहीं है, मैं एक नहीं, 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 फराज साहब को, फराज साहब के पास है, अच्छा फराज साहब को दिए, यार वो देने जरूरी है, हाँ वो देखिए, वो देखिए, फिर उसमें मुझे पता है फिर मुश्किल से होता था, उस वक्त भी कीचड़ लग जाता था, चेयरमैन साहब भी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम साहब, बड़ी तकलीफ की थी आज फिर, कितना प्यार देते हैं इतनी दूरी से भी। आप करिए, ठीक है, आप बात कर रहे थे, मैं सारा तो फिर उसके बाद ऐसे नहाते थे कीचड़ से, पार जाते थे, फिर करते कराते यानी ये हाल बना, फिर तशरीफ लाए चेयरमैन साहब, इनके प्यार और इनकी जो मेहनत थी
हमने इनको मेमोरेंडम दिए भाई इस तरह से चल रही है चीज़, तो इसको कुछ कराइए। तो इन्होंने प्रैक्टिकल उनको 3 साल के अंदर अंदर इसकी कायाकल्प कर दी, हमारी हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को उसके साथ बड़ी इन्होंने कोऑपरेट किया है। और मैं आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू दिस पर्सनैलिटी, इस शख्स, इतनी इन्होंने महान मेहनत की है इनके साथ, अपने इनके सारे फराज जी हैं, ये भी दिन रात मैंने देखा इन्होंने, देखो ना मंदिरों के इन्होंने शक्ल बदल दी है, जितने ढांचे थे अब हिंदू तो यहाँ है ही नहीं, नॉट इवन ए सिंगल हिंदू, तो फिर इवन देन दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि हमारी उस आस्था को कायम रखने की हिफाजत करने का मान है ये। देखा महसूस किया जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी सारा टूर किया तो ऊपर तक बहुत डेवलपमेंट है जी, ये तो दैट इज ए नेचुरल फेनोमेनन, बारिश नहीं हुई, एक तो आई अंडरस्टैंड एक बारिश नहीं हुई है, फिर कुछ थोड़ा वो इंडस्ट्री कुछ लगी है, कोई नहीं कोई नहीं, ये फिर वो जो है क्या कहते हैं उसमें ना जी अपना इधर फैक्ट्रीज लगी हैं सीमेंट की, जहाँ तक हमें मालूम होता रहता है, कुछ मीडिया से पता लगा, कुछ ऐसे डिस्कशन हुई लोकल, तो इस तरीके से वो थोड़ा उन्होंने सकिंग हो गई है, उससे बड़ा लेवल का जो है ना जमीन का बड़ा फर्क पड़ जाता है, तो थोड़ा वो आप देख लीजिए वो चीज़ें हैं, बाकी ये तो दिन रात लगे हुए हैं, इन्होंने बड़ी अटमोस्ट कोशिश की। मिनिस्टर साहब ने भी 2 कमेटियां बनाई हुई हैं, एक हाइड्रोलॉजिकल स्टडी कर रही है, एक जियोलॉजिकल स्टडी कर रही है, तो दोनों चीजों वी वांट टू गेट टू द रूट कॉज, ये नहीं कि बस सरसरी सा हमको दिस इज रूट कॉज फॉरएवर होना चाहिए ना, दैट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन, सस्टेनेबल होना चाहिए, वरना तो ये भरने में तो नहीं, इवन देन दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, ये हमें स्नान के लिए कितना फिर भी चलो जितना भी पानी है इन्होंने बेस्ट अरेंजमेंट की है लेडीज के लिए, आया हूं एक मिनट, लेडीज के लिए इन्होंने पूरा वो कवर करके उनको स्पेशल उन्होंने प्रबंध किया, इवन दे ब्रॉट बकेट्स फॉर अस, वो सारे उसके लिए था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सरस्वती का भी सोर्स जो है वो ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं 80 बिलियन रुपीज, राइट राइट यू आर, ओह यस यस, मैंने देखा था, बहुत नॉलेज आपकी, यू आर राइट, वी आर डूइंग, आई एम आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट बोर्ड, अच्छा यस, वो सरस्वती सारा जो है उधर हमारी यमुना नगर है, मैं यमुना नगर रहता हूँ, अच्छा, तो वहाँ से सारी उसका जो मंबा है उर्दू में जो कहते हैं सोर्स ऑफ, तो वो वहीं से है, वो फिर आगे जाता है यमुना, तो यमुना, हाँ यमुना 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 के साथ है वो सारा, यमुना यमुना नगर है हमारा, अच्छा, या डिस्ट्रिक्ट तहसील थी, तहसील थी, तो ये हमारे छिपर साहब भी तो उसी इलाके के, इनके रिलेटिव वगैरह वहीं रहते हैं यमुना नगर, जी जी, आई एम रनिंग देयर फैक्ट्री इंडस्ट्री प्लाईवुड फैक्ट्रीज, अच्छा, ओ यस, आई हैव बीन द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड देयर, थैंक यू, तो इस तरीके